नमस्कार दोस्तों, कानपा एजुकेशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के बारे में बात करेंगे। ये हमारे स्वच्छ भारत मिशन सीरीज़ का आखिरी वीडियो होने जा रहा है अब तक। और जैसे ही किसी और टाइप के वेस्ट आएंगे फ्यूचर में, उनका कैटेगराइजेशन होगा और उनसे रिलेटेड मैनेजमेंट के रूल्स बनेंगे। या फिर साथ ही साथ इन मैनेजमेंट जो अब तक के मैनेजमेंट रूल्स बनाए गए हैं वेस्ट के, अगर उनमें कोई अमेंडमेंट होगा तो हम उसके अपडेट्स आपको अवेलेबल कराएंगे टाइम टाइम पे। तो ई वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट से बहुत ज़्यादा पैदा होता है सॉलिड वेस्ट। इसकी क्वांटिटी कई गुना ज़्यादा होती है। सॉलिड वेस्ट एक्चुअली जो घर में कूड़ा कचड़ा पैदा होता है वो, तो हम देखें कि ई वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट के कंपैरिजन में तो इसका तो जो मैग्नीट्यूड है काफ़ी ज़्यादा है। तो बिना सॉलिड वेस्ट मैनेज किए स्वच्छ भारत मिशन को पूरा कर लिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी के लिए हम आज लेकर आए हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे पहले जो है वो सॉलिड वेस्ट की डेफिनेशन है कि सॉलिड वेस्ट इज़ अनवांटेड और यूजलेस सॉलिड मटेरियल्स जनरेटेड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल एरियाज़। जो इन सब एरिया से जनरेट होते हैं और वो सारे के सारे वेस्ट जो ह्यूमन एक्टिविटी से जनरेट होते हैं इन जगह पे, उन सबको सॉलिड वेस्ट कहा जाता है। देखिए, सॉलिड वेस्ट की डेफिनेशन में ई वेस्ट भी आता है, बायोमेडिकल वेस्ट भी आता है, और जो घर में कूड़ा कचरा प्रोड्यूस होता है वो भी आता है। लेकिन जो सॉलिड वेस्ट रूल्स हैं वो सिर्फ जो घर में जो कूड़ा प्रोड्यूस हो रहा है, जो कचड़े वचड़े हैं, सिर्फ उन्हीं की बात करता है। ई वेस्ट के लिए अलग से रूल है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसी तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी अलग से रूल्स हैं जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। तो देखिए, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोडक्शन है हमारे देश में 62 मिलियन टन है। कहाँ ये जो वो था वेस्ट कहाँ, अब इसको ध्यान दीजिए एक डाटा पर स्पेशली। इसमें जो कहा गया है कि 5.6 मिलियन टन जो है प्लास्टिक है, और 0.17 मिलियन हो जाता है बायोमेडिकल वेस्ट, और इसी के साथ 15 लाख टन यहाँ पे दिया गया है ई वेस्ट। तो 15 लाख टन और 0.17 मिलियन टन, ये जो वेस्ट है अगर इनको हटा दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो हमारा ये सॉलिड वेस्ट होता है, ई वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। हमारे देश में इस समय जो वेस्ट जनरेशन हो रहा है पर इन इंडियन सिटीज़, वो अब पर कैपिटा जो कंजम्पशन हो गया है, मतलब प्लास्टिक और दूसरी चीज़ों का, वो 200 ग्राम से 600 ग्राम है जो इंडियन सिटीज़ की हैं, इस रेंज में है। तो आप समझ सकते हैं कि अब जो है जो हमारे देश में है प्लास्टिक का कंजम्पशन कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी के साथ ही जो 43 मिलियन टन पर एनम जो है इसमें से कलेक्ट किया जाता है, TPA यानी टन पर एनम, तो इतना कलेक्ट किया जाता है जो 62 मिलियन टन प्रोड्यूस होता है उसमें से इतना कलेक्ट होता है। उसमें से भी क्या होता है, 11.9 मिलियन जो टन होता है उसी को ट्रीट किया जाता है, और जो 31 मिलियन टन होता है उनको लैंडफिल साइट्स में डंप कर दिया जाता है। इसका मतलब ये कि 75 से 80% जो म्यूनसिपल वेस्ट होता है कलेक्टेड होता है, और उसमें से सिर्फ 22 से 28% ही प्रोसेस और रिट्रीट किया जाता है। तो हम जैसे ई वेस्ट के मामले में पीछे हैं जैसे मैनेज करने में, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करने में पीछे हैं, उसी तरीके से हम इसमें भी अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं। और एक जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है 2030 तक। जो भारत अभी 62 मैट्रिक टन वेस्ट प्रोड्यूस करता है वो बढ़कर हो जाएगा 165 मैट्रिक टन। तो दिस इज़ द मैटर ऑफ कंसर्न फॉर लिविंग थिंग्स एंड इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू। तो हम इसको अब अच्छे से डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट इसके लिए कैसा वेस्ट मैनेजमेंट रूल लेके आई है और वो कैसे काम करती है। जब भी हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, और पूछा जाता है कि ये नेसेसरी क्यों है, तो हमेशा कुछ कहा जाता है कि इसे काफ़ी ज़्यादा डिसीज़ हो सकती हैं और ये एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी नुकसान है, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। लेकिन इसके कुछ ना पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से वेल्थ बनाया जा सकता है, और वो वेल्थ कितना यूजफुल होता है उसको भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बात की जाती है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है नेसेसरी क्यों है। तो कहा गया है कि 2031 तक जो जनरेशन होगा वो इतना बढ़ जाएगा, और 436 मिलियन टन 2050 तक बढ़ जाएगा। तो अगर जो सिटीज़ हैं इनको डंप करेगी प्रेजेंट रेट पे बिना ट्रीटमेंट के, यानी ट्रीटमेंट करके उसको ख़त्म ना करे और सिर्फ उसको वैसे ही डंप करे, तो हमें हर साल 1240 हेक्टेयर लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये कि इतने लैंड का लॉस तो हमें सहना ही पड़ेगा हर साल। और भारत में पता है कि ज़मीन की कितनी कमी होती जा रही है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण, और ज़मीन के अपनी इम्पोर्टेंस है बहुत सारी दूसरी चीज़ों के लिए। तो हमें इकोनॉमिकली लॉस होगा, सोशली लॉस होगा इसके साथ ही। और दूसरा, ये जो वेस्ट ये लैंडफिल का इस्तेमाल किया जाएगा, ये एक काफ़ी बड़ा लैंड है जिसको दूसरे काम के लिए, रिसोर्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। यानी 2031 तक जो रिक्वायरमेंट है हमें लैंडफिल सेट करने के लिए, 10 मीटर हाई ये जो होगा, 10 मीटर हाई 20 साल में वेस्ट इतना जनरेट हो जाएगा, और 66,000 हेक्टेयर में 10 मीटर की हाइट तक वेस्ट, इतना वेस्ट जनरेट कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर इसके अमाउंट की बात की जाती है, क्योंकि इतना सारा वेस्ट को अगर हम बिना मैनेज किए ऐसे ही रखते जाते हैं, और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है बहुत सारा वेस्ट इसमें से, तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। ये तो एक पॉइंट है ही है, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट ना करने के कारण हमें काफ़ी जो पॉजिटिव चीज़ें हो सकती थी उन पर भी इम्पेक्ट पड़ता है। पॉजिटिव चीज़ें देखिए क्या क्या हैं। हमने अभी तक वेस्ट मैनेजमेंट को एक रिसोर्स नहीं समझा, हमने उसको टैप नहीं किया। अगर उसको ढंग से टैप किया जाए, तो ये जो टास्क फोर्स का एक आंकड़ा है वो कहता है, प्लानिंग कमीशन ने एक टास्क फोर्स बनाया था इस चीज़ को स्टडी करने के लिए, तो उसने बताया था कि 439 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है वेस्ट का इस्तेमाल करके। तो इतने वेस्ट को, अगर इतने इलेक्ट्रिसिटी को हमें जनरेट करना है तो हमें काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। तो ये समझ लीजिए कि एक साल में अगर हम अपने वेस्ट को मैनेज करते हैं तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी तो हमें मिलेगी मिलेगी आराम से। इतने वेस्ट को, इतने जो वेस्ट होते हैं उनके कंबस्टाइल, जो उसमें जलने लायक वेस्ट होता है उसको जलाकर, यहाँ पे एक वर्ड आया है रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल। देखिए रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल का मतलब ये होता है कि जो सॉलिड वेस्ट में होता है, जो जलने वाले पार्ट्स होते हैं जिनको जलाया जा सकता है, जो हमें 1500 किलो कैलोरी से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं जो, तो उनको कहा जाता है रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल। इनको हम ना डायरेक्टली फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल कहा जाता है। तो इसका इस्तेमाल करके 439 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, और हम इस रिसोर्स को टैप नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी का तो लॉस उठाना पड़ रहा है, और एनवायरनमेंट जो में जो उसके अलग नुकसान हैं वो तो हैं ही हैं। उसी के साथ कहा गया, ये भी कहा गया है कि 13 लाख क्यूबिक मीटर, 1.3 मिलियन क्यूबिक मीटर बायोगैस पर डे प्रोड्यूस की जा सकती है। तो इसका मतलब ये कि बायोगैस भी काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस की जा सकती है हर दिन इस चीज़ का इस्तेमाल करके, और बायोगैस के अपने अलग इस्तेमाल है। बायोगैस से हम फिर दोबारा 72 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और इसी के साथ 54 लाख कंपोस्ट भी तैयार किया जा सकता है, और इससे एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया जा सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट किया जा सकता है। तो सॉलिड वेस्ट इज़ द वेल्थ फॉर कंट्री, बट वी हैव नेवर अंडरस्टूड इट बिकॉज इसकी मैनेजमेंट पर कभी बात ही नहीं की गई है। तो अगर हमें इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाना है तो हमारे लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो ये तो नुकसान हमें करेगा ही करेगा। हमारी 66,000 हेक्टेयर भूमि को खाने वाला है 20 साल में,
और हमें कहीं का नहीं छोड़ने वाला। तो ज़रूरी है कि अगर इसको अपना नुकसान बनाने के बजाय हम इसको फ़ायदे में बनाने की कोशिश करें। तो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो इसको फ़ायदे में बनाने की बात कर रही है कि किस तरीके से इसको बनाना है, लेकिन जितने भी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं हमारे देश में वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं होते। जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो ठीक से अपना काम नहीं कर पाती और प्रॉब्लम जो है वैसे की वैसे बनी रहती है। तो हम यहाँ पे हम यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं उनकी बात करेंगे, उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है या नहीं वो दूसरी बात है, और उसको अगर कैसे ठीक किया जाए तो उन सब के अलग मैकेनिज्म होंगे। बात की जाती है कि मैकेनिज्म क्या है इस रूल का, ये रूल काम कैसे करेगा। तो इस रूल में पूरी बात की गई है सिर्फ इसकी कि जो वेस्ट जो होता है सॉलिड वेस्ट उसको इम्पॉर्टेंट कैसे बनाए, उसको वेल्थ कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले जो रूल्स पहले कवर्ड थे सिर्फ म्यूनिसिपल एरियाज़ तक, उनको एक्सटेंड कर दिया गया है 2016 के बाद से इन हर जगह पे, अर्बन एग्लोमरेशन, सेंसस टाउन्स, नोटिफाइड इंडस्ट्रियल टाउनशिप एरियाज़, एरियाज़ अंडर कंट्रोल ऑफ इंडियन रेलवे, एयरपोर्ट, एयरबेस, इन सब जगह को अब कवर कर लिया गया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंडर में। इससे जो सॉलिड वेस्ट का अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसको अगर मास लेवल पर उसको रिसाइकल करने के लिए अगर फैसिलिटी डेवलप की जाएगी तो उसमें काफ़ी कम कॉस्ट आएगा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं, काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है इन रिसोर्सेज का, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, बायोफ्यूल जनरेट करने के लिए, बायोगैस जनरेट करने के लिए और साथ ही साथ मेन्यू डेवलप करने के लिए। तो इसके साथ जो होता है इसका साइज़ बढ़ गया इस रूल के ज्यूरिसडिक्शन का। इसी के साथ क्या कहता है कि जो जनरेटर है वेस्ट के, जनरेटर यानी कौन, जिससे भी वेस्ट जनरेट हो रहा है जैसे हम आप कोई भी, तो उन पे क्या होता है जिम्मेदारी, उनको जिम्मेदारी की दी गई है कि सिग्रीगेट वेस्ट, वेस्ट को तीन उसमें बांटने के लिए, वेट, ड्राई और डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। तो इन तीन कैटेगरी में अगर आप वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं तो आपको इन तीनों को अलग अलग बांट के रखना होगा अपने घर पे ही, और इन तीनों को अलग से मतलब देना होगा रैग, जो ऑथोराइज्ड रैग पिकर्स हैं यानी वेस्ट कलेक्टर्स हैं उनको आपको देना होगा, या लोकल बॉडी है कोई उनको आपको देना होगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ को ठीक करने की। तो ये जो है ये रूल का इम्प्लीमेंट हमारे देश में कितना होता है पता नहीं। उसके बाद से बात की जाती है कि जो जनरेटर होगा यानी हम और आप फिर से या दूसरा कोई भी जो वेस्ट जनरेट कर रहा है उसको पे करना है यूज़र फी वेस्ट कलेक्टर को, और अगर वो गंदगी फैला रहा है तो स्पॉट फाइन। तो जो अर्न करेंगे यहाँ से वेस्ट कलेक्टर वो आपके द्वारा दिए हुए वेजर फी से अर्न करेंगे और दूसरा स्पॉट फाइन से अर्न करेंगे, और ये इसको कहाँ तक पहुँचाएंगे जो वेस्ट कलेक्टर होगा वो उसको रिसाइकलिंग प्लांट तक पहुँचाएंगे और रिसाइकलिंग प्लांट में इनको फिर रिसाइकल किया जाएगा। दूसरा साथ ही साथ जो सबसे बड़े सोर्स हैं आपसे और हमसे भी वेस्ट जनरेट करने के, वो जो ये होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं उन पर भी स्पेशल ड्यूटी इम्पोज करता है, उनको भी कहता है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को वो सिग्रीगेट करें और एक सिस्टम बनाए कलेक्शन का और उस सिस्टम का पालन हो, और जैसा लोकल बॉडी कहेगी उसी के अकॉर्डिंग उनको कलेक्शन बनाना चाहिए, कलेक्शन सिस्टम अपना, और उसी के अकॉर्डिंग वेस्ट जनरेट जो वेस्ट को हो सिग्रीगेट करना चाहिए। ये सीधे सीधे इस रूल्स में कहा गया है ताकि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो उनका इस्तेमाल करके कंपोस्टिंग और बायोमेथेनेशन में इस्तेमाल किया जा सके। तो इस तरीके से यहाँ पे होटल एंड रेस्टोरेंट्स जो हैं उनको भी स्पेशली इस रूल के अंडर में लिया गया है और उनकी ड्यूटी को अलग से सिग्निफाई करने का काम किया गया है। उसी के साथ जो बड़े बड़े रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से मार्केट एसोसिएशन है, इन लोगों का जो ग्रुप है, ये क्या करेंगे,
जो और इनका साइज़ की बात की गई है, अगर इनका साइज़ इतने से ज़्यादा है, 5000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा अगर इनका साइज़ है, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, मार्केट एसोसिएशन है, ये इतने से ज़्यादा एरिया में बसे हुए हैं, गेटेड कम्युनिटीज और इंस्टीट्यूशंस, तो उन पे ये ऑटोमेटिकली जिम्मेदारी आ जाती है कि ये सारे के सारे जो वेस्ट है उनको सिग्रीगेट करके रखें और इनको रिसाइक्लेबल जो मटेरियल हो उसमें से वो ऑथोराइज्ड वेस्ट पिकर को अवेलेबल कराएं और अर्बन लोकल बॉडी को या रिसाइकलर को इनको दे, तो इन पे भी ड्यूटी इम्पोज की जाती है। इसी के साथ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन देश में बनेंगे, जितने भी इंडस्ट्रियल स्टेट बनेंगे, इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे, उन पे ये है, ये भी बाउंडेशन दी गई है कि वो अपने एरिया का टोटल 5% इस्तेमाल करेंगे रिकवरी और रिसाइकलिंग फैसिलिटी को लगाने में, और जो वेस्ट जनरेट करेंगे अपने उस एरिया में उसको वहीं पे मैनेज करेंगे। तो इस तरीके की ड्यूटी इम्पोज की गई है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर भी। उसी के साथ मैन्युफैक्चरर, ब्रांड ओनर्स, मार्केटिंग कंपनीज जो भी ये हैं, इनको भी ये कहा गया है कि जितना ज़्यादा रिसाइक्लेबल मटेरियल हो सकता है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए अपने प्रोडक्ट में, और जो भी वो चीज़ें देते हैं, मतलब जो भी वो प्रोवाइड कराते हैं पाउच और रेपर डिस्पोजल के लिए, उन सब का स्पेशल जो होना चाहिए सैनिटरी प्रोडक्ट्स में, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइक्लेबल मटेरियल्स की होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग ये होगा कि जो वेस्ट कलेक्ट होगा उसमें काफ़ी कम टाइम लगेगा उसको रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल चीज़ को अलग करने में, और इससे काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो सकता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसी के अकॉर्डिंग जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं आरडीएफ प्लांट के, अगर 100 किलोमीटर से कम दायरे में हैं तो वो आरडीएफ का इस्तेमाल करेंगे। आरडीएफ मतलब यही हुआ कि रिफ्यूज्ड ड्राइव्ड फ्यूल, यानी जो फ्यूल बनाया जाएगा सॉलिड वेस्ट से, उनको अपनी एनर्जी का 5% फ्यूल रिक्वायरमेंट का कम से कम आरडीएफ से इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सीधे सीधे एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, और सीधे सीधे जो आरडीएफ प्लांट जिन्होंने लगा रखा है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो प्रोविज़न है काम करता है। क्यों? क्योंकि इतना तो उनको पता है कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उनको, और अगर उनको 5% एनर्जी का मार्केट वहाँ से मिल जाता है तो उनके लिए वो बिग विन विन सिचुएशन है, क्योंकि वो अपना जो वो है सारा जो वो भी फ्यूल जितना जनरेट करेंगे वो सारा का सारा आसानी से इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बेच सकते हैं। तो रूल सिंपल कहता है कि 100 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको आज से अगर नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, यानी डेट ऑफ नोटिफिकेशन, तो उसके अगले 6 महीने के भीतर भीतर ये अरेंजमेंट करना होगा कि वो अपनी जो एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है उनकी एनर्जी का, वो उसका 5% उनको आरडीएफ से पूरा करना होगा। ये उन पर मैंडेटरी कर देता है ऑटोमेटिकली इस रूल को फॉलो करने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि जो रिसाइकलिंग वाले प्लांट्स हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया है। लोग यहाँ पे बात की जा रही है जनरेटर जितने भी हैं वो कैसे वेस्ट को सिग्रीगेट करें, उन पे ड्यूटी इम्पोज की जा रही है, और जो अलग अलग लेवल है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और होटल एंड रेस्टोरेंट, और जो जनरल डोमेस्टिक लेवल पे हम लोग हैं सबके लिए ड्यूटी फिक्स करने का काम किया गया है इस रूल्स एंड रेगुलेशन में। इसी के साथ जो भी नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट होगा, एक तो रिसाइकलेबल वेस्ट जिसको रिसाइकल किया जाएगा सिंपल, और जो नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट है, नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट में जिसके जो कैलोरीफिक वैल्यू है 1500 किलो कैलरी पर केजी है, इसका मतलब ये हुआ कि 1500 किलो कैलरी तो वो एनर्जी जनरेट करने वाला होना चाहिए अगर उसका पर केजी जलाया जाए, तो उसको जो अगर ऐसा इस तरह का नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट होगा तो उसको हम डिस्पोज नहीं करेंगे लैंडफिल में, उसको हम सीधे यूटिलाइज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल बनाएंगे हम उसका। और इस तरीके से जो नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट है उसका भी एक अच्छा इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। और इसी के साथ ये कहा गया है कि जो हाई कैलोरीफिक वेस्ट हैं उनका इस्तेमाल होगा प्रोसेसिंग करने में, सीमेंट प्रोसेसिंग में, थर्मल पावर प्लांट में, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जितने भी हाई कैलोरीफिक वेस्ट हैं उनको आरडीएफ बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है सीमेंट इंडस्ट्री में और थर्मल पावर प्लांट में।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब आपको पता होना चाहिए अगर वेस्ट मैनेजमेंट की बात आ जाती है लिखने के लिए। इसी के साथ क्या होता है, जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट होता है उसमें उसको सेपरेटली डिस्पोज ऑफ करने के लिए ये एक अलग से रूल बनाया गया है, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, इस पर भी एक वीडियो अलग से बन सकती है। उसी के साथ हॉर्टिकल्चर वेस्ट एंड गार्डन वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम हीज प्रेमिसिस शुड बी डिस्पोज्ड एज पर द डायरेक्शन ऑफ लोकल अथॉरिटी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो अलग अलग सोर्सेज है वेस्ट जनरेट होने की, उन पर बहुत अलग अलग तरीके के रूल्स इम्पोज किए जाने हैं और उनको बताया जाना है कि वो वेस्ट मैनेज कैसे करें, और ये सारा काम लोकल अथॉरिटीज़ को दिया गया है। लेकिन ये है कि रूल्स इतने अच्छे होने के बावजूद भी हमारे देश में इम्प्लीमेंट नहीं होते, जिससे प्रॉब्लम जो है वैसी की वैसे बनी रहती है। हमारा इस वीडियो में काम था रूल्स को डिस्कस करना, एनालाइज करना, उसको हमने कर लिया है, और ये उम्मीद की जाती है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।